खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। झारखंड में पहले चरण के लिए थम जाएगा चुनावी प्रचार। 13 नवंबर को 43 सीटों पर होने हैं मतदान। प्रचार के आखिरी दिन ताबड़तोड़ रैलियां की जाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली को तो देखिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। झारखंड में पहले चरण के लिए थम जाएगा चुनावी प्रचार। 13 नवंबर को 43 सीटों पर होगा मतदान। प्रचार के आखिरी दिन ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी भी रैली में मौजूद हैं। हमारे संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राजीव, झारखंड में पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार आज से थम जाएगा, लेकिन खुद गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार के लिए आ रहे हैं। क्या इनका मैजिक चल पाएगा पहले चरण के मतदान के लिए? देखिए, झारखंड में पहले से इंडी गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, जिसके मुखिया हेमंत सोरेन है, तो ये उनकी सरकार है। अब उनकी सरकार के बाद जो ये चुनाव हो रहा है, ये बड़ा अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है और उनका दावा है कि उनकी जो रणनीति है उसका जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला होगा। और यही कारण है कि आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे टॉप लीडर्स है वो झारखंड पे फोकस किए हुए हैं। अब अमित शाह का ये तीसरा या चौथा दौरा है, वो लगातार झारखंड में आते रहे हैं चुनाव के दौरान, और आज चूंकि प्रचार का अंतिम दिन है, आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, तो इसमें आज जो वो बोलेंगे या जो बोलने वाले हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी है। और देखिए, उनको अमित शाह को कहा जाता है कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के आधुनिक चाणक्य हैं, तो उनकी उनकी जो नीति होती है, उनका जो बयान होता है, उनकी जो रणनीति है, वो उसको भारतीय जनता पार्टी में एक प्राथमिकता के तौर पर देखा जाता है, और उनके जो वक्तव्य होते हैं पॉलिटिकली उस पर तमाम लोगों की निगाहें होती है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, उनका भी आगमन आज झारखंड में होगा और कई जगह उनका संवाद है। वो भी जब भी अपने बयान देते हैं, जब भी अपने वक्तव्यों को सामने रखते हैं, उसकी चर्चा होती है, क्योंकि उनके उनके जो वक्तव्य होते हैं वो बिल्कुल धारदार होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें जो जितने धारदार तरीके से बयानबाजी की जाएगी, उतने धारदार तरीके से वो जो लोगों को गुलबंद कर सकेंगे, वोटर्स को अपने तरफ अपने पक्ष में कर सकेंगे। और यहाँ मुख्य मुद्दा जो है आदिवासी विकास का है, आदिवासी समाज को विकसित करने पर दोनों की जोर है। वो भारतीय जनता पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी दल, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जो झारखंड में जितना विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अगर उनको नेतृत्व मिलता है, उनकी सरकार बनती है, तो वो दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो एजेंडा लेकर के आई है, जो चुनावी घोषणा है, उसे धरातल पर उतारेगी और झारखंड का विकास करेगी। साथ में जो झारखंड में आदिवासी समाज के लोग हैं, वो जो पिछड़े हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए तमाम तमाम योजनाएं, तमाम मैनिफेस्टो, तमाम दावे और वादे हर बार किए जाते हैं चुनाव से पहले। ये तो पब्लिक भी जानती है कि कितने वादे पूरे हुए हैं और नहीं हुए हैं। ऐसे में झारखंड की अगर मैं बात करूँ तो आदिवासी बाहुल्य पूरा ये राज्य है, क्या बीजेपी जो उम्मीद कर रही है आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करके, या फिर बांग्लादेशी या अलग अलग राज्यों से आए लोगों को यहाँ पर विस्थापित करने की, तो क्या ये मुद्दे जो हैं जेएमएम पर, इंडिया अलायंस पर भारी पड़ सकते हैं? देखिए, राजनीति चुनाव और ये कह सकते हैं कि संभावनाओं का खेल होता है, इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट तरह से कोई दावा नहीं कर सकता है, न कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकता है, न कोई सरकार कर सकती है। लेकिन एक अंदाजा होता है कि अगर इस तरह के मुद्दों को सामने, जनता के सामने लाया जाए, तो जनता इस बात को गंभीरता से लेगी और जो मकसद है पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव जीतने का, उसमें उनको कह सकते हैं उनको उसमें फायदा होगा, उनको वोट मिलेंगे, तो ये तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन इसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा जब चुनाव परिणाम सामने आएगा। लेकिन फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि जो फोकस है
जो जनता को गोलबंद करने का फोकस है उसका सबसे बड़ा यह है कि आदिवासी समाज या झारखंड के विकास पर इस बार ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी फोकस किए हुए हैं। दूसरी तरफ जो हेमंत सोरेन की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके तरफ से भी यही दावा किया जा रहा है कि जो झारखंड में विकास नहीं हुआ है, जो बाकी है उसे पूरी तरह से उसका विकास किया जाएगा और झारखंड में जो आदिवासी मूल के लोग हैं उनके विकास के कार्यक्रमों को व्यापक तौर पर बनाया जाएगा। तमाम जानकारी।